लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे अनीता, 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 वो फोटो मेरी है, मुझे वापस दो। अनीता, अनीता, give me the photo. अनीता, वो मेरी फोटोग्राफ है, मुझे वापस दो। नो, पहले मुझे देखनी है। देखो, मुझे मेरी फोटोग्राफ वापस चाहिए। अगर मैं देखूं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? पहले मुझे देखनी है। मुझे मेरी फोटोग्राफ चाहिए। नो, मुझे देखनी है, देखनी है, देखनी है, मुझे देखनी है। मैं तो डरी गई थी। मैंने सोचा शायद तुम्हारे हाथ में किसी और की फोटो होगी। लाओ मेरी फोटोग्राफ, मुझे वापस दो। ये लो। अजय, ये ब्याह भी बड़ी अजीब चीज है ना। इंसान इसमें कुछ भी कर जाता है। तुम क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए यहां से कूद सकती हूँ। हंसते हो? मजाक समझ रहे हो? मैं अभी इसे कूद कर दिखाती हूँ। अनीता, ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? तुमसे प्यार, और इस प्यार के लिए मैं हजार बार कूद सकती हूँ। अजय, अनीता, are you alright? कब से तलाश कर रहे हैं हम लोग तुम्हें? चलो गाड़ी में बैठ। चौधरी साहब, आप वेलकम वेलकम। कैसे हैं कौल साहब, सब ठीक ठाक तो है? हाँ, सब ठीक ठाक है। चौधरी साहब, ये है मेरा बेटा अजय। हेलो। हेलो। आप तो अचानक आ धमके, और वो भी इतने बड़े काफले के साथ। सब ठीक तो है ना? कौल साहब, ये मेरे दोस्त हैं बलवंत गार्गी। हेलो। अमेरिका में रहते हैं। ये उनका बेटा मनीष, मेरा होने वाला दामाद। हेलो। हेलो अंकल। मतलब अनीता की शादी? मुबारक हो चौधरी साहब। हाँ कौल साहब, मैं अनीता की शादी कर रहा हूँ, इसीलिए इन लोगों को यहाँ साथ लेकर के आया। कल एंगेजमेंट है और परसों की शादी है, कुछ तैयारियां तो कराइए आप। ओ जरूर, आइए आइए। डैडी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और इतना बड़ा फैसला कर लिया। देखो अनीता, ऐसे हालात में तुम्हारे लिए जो ठीक है वही कर रहा हूँ मैं। मैं तुम्हारे सर से मौत के साए को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहता हूँ। डैडी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना। सुनो, मुझे जो फैसला मैं ले चुका हूं मैं उससे हटने वाला नहीं हूं। बस
जाए यहाँ तुम्हारी दौड़ खत्म होती है। अनीता इस तरफ आओ, तुम अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते अजय। अनीता यहाँ बहुत डेंजरस आदमी है, मैं समझाता हूँ। आई डोंट मूव, आई विल किल यू, आई विल किल यू। अनीता अनीता तुम इसे नहीं जानती हो, बहुत खतरनाक आदमी है। यहाँ आओ अनीता, अनीता कम या जल्दी आओ इस तरफ, या डोंट मूव अजय, डोंट मूव। अनीता अजय दामाद तो बहुत अच्छा चुना है चौधरी साहब आपने। थैंक यू। लेकिन हमारी अनीता भी तो लाखों में एक है रतिलाल जी। Yeah.
टॉक नॉनसेंस। मैं जानना चाहता हूँ कि अमरजीत और अजय कहाँ हैं। चौधरी साहब, अनीता इस तरह की हरकतें पहले भी कई बार कर चुकी है। हमने पुलिस, एयरपोर्ट, सब जगह उनके नाम और फोटोग्राफ के साथ इन्फॉर्म कर दिया है। पता लगते ही वो हमें बताएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हेलो, यस स्पीकिंग। Have you found Anita? Not yet, but we are trying. Okay. One minute. क्या हुआ अमरजीत? अनीता भाग गई है सर। क्या? जी हाँ, और अजय उसे लेकर भागा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? ये सच है मिस्टर कॉल। अजय अनीता को भगाने की प्लानिंग से यहाँ आया था। एयरपोर्ट पर जब उससे वो टकराया था, उसके बैग से अनीता की फोटो तक गिरी थी। तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? मेरे लिए अजय फर्ज से ज्यादा कीमती है क्या? इडियट। टेक हिम टू द एम्बुलेंस। आप फिक्र मत कीजिए चौधरी साहब, आपकी बेटी को सही सलामत आपके हाथों में सौंपूंगा मैं। मैं ये भूल जाऊंगा कि अजय मेरा बेटा है। अगर उस पर गोली भी चलानी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। मुझे मालूम था अजय, तुम मुझे गिरने नहीं दोगे। शुक्रिया अजय। कौन? अजय, कौन है ये लोग? तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है। इंशाल्लाह अब हमारे मुजाहिद की आजादी तय है। आजादी? किसकी आजादी के बारे में बात कर रही है? और क्या काम किया है तुमने इनके लिए? अजय प्लीज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो। मैं बताता हूँ, हमने इसके साथ एक सौदा किया था। ये जिस लड़की से मोहब्बत करता वो हमारे कब्जे में है, और उसे छुड़ाने के लिए इसे तुम्हें हम तक पहुंचाना था। तुम किसी और से प्यार करते हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया था, और तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए सारे रिश्तों को ठोकर मार दी, अपना डैडी का दिल दुखाया। क्यों? क्योंकि प्यार किया था मैंने तुमसे, सच्चा प्यार किया था। और तुम क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्यों क्यों क्यों? Why? नेहा कहाँ है? वो रही तुम्हारी नेहा। बंदूक फेंक दो। शक्ति,
तू क्या समझता है कि तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? कभी नहीं। वो तो उस दिन नेहा मेरी पहुंच से दूर थी, वरना ये खेल उसी दिन। मैं नुसरत रब्बानी, मुजाहिद वफाए अलहक अफगान, अपने शोहर नावेद रब्बानी की आजादी के लिए अपने फर्ज को अंजाम दे रही थी। कृष्णकांत उर्फ कैप्टन रशीद। मुबारक हो जुनैद, अपने मकसद की कामयाबी का पहला कदम बहुत सही पड़ा हमारा। हाँ कैप्टन, अब बहुत जल्द हमारे खेमे में नावेद की वापसी होगी और हिंदुस्तान की शिकस्त। जावेद, इसे उठाकर नीचे फेंक दो, अगर ये जिंदा बच गया तो हिंदुस्तान की पुलिस इसे मार देगी। चलो। बहादुरी दिखानी है दिखाओ, गद्दार नहीं है हम लोग। पिछले 40 सालों से पूरी ईमानदारी से अपने देश की सेवा कर रहा हूं मैं। अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए कई बार मौत का सामना किया है मैंने। तुम लोगों के लिए मेरे बेटे ने जो किया है उससे हमारी आत्मा को भी चोट पहुंची है, बहुत दुख पहुंचाया है उसने हमें भी। और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, अब वो मेरा बेटा नहीं है, देशद्रोही है वो। उसका अंजाम वही होगा जो एक देशद्रोही का होता है। उसे मारकर उसकी लाश चौराहे पर लटकाऊंगा मैं। हमारा जंगल छोड़ मारो, ढूंढो अजय कहाँ है। Come on, move! Come on,
ले ना पाए। अजय रुक जाओ। Don't shoot। अजय रुक जाओ। रुक जाओ। Shoot him। Fire। न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। होम मिनिस्टर भागवत चौधरी की बेटी अनिता चौधरी की रिहाई के बारे में अब तक कोई खास संकेत नहीं बने हैं। अनिता चौधरी को एक आतंकवादी संगठन वफाई अल हक ने अगवा किया हुआ है। कुछ जानकारों का कहना है कि पत्रकार आलोक दास सरकार और आतंकवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका करने वाले हैं। सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत कब और कहां होगी, इस बात को गुप्त रखा गया है।